हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी लोग का अनअकैडमी एसएससी जेई चैनल पर। और दोस्तों मेरा नाम है अनुराग सिंह और आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। और दोस्तों ये जो करंट अफेयर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बस वही क्वेश्चन करा दूं जो सुपर इंपॉर्टेंट और यही करंट अफेयर आप लोग को पढ़ना है। इसके अलावा गाइस कोई भी करंट अफेयर आप लोग मत पढ़िएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस मैं आप लोग को बता देता हूँ कि दिस इज माई कोड MG10 और इस कोड का इस्तेमाल करके आप अनअकैडमी में मैक्सिमम डिस्काउंट जो अवेल कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जानते हो अनअकैडमी हर संडे को गाइस हम लोग बात करें तो क्या कराता है एसएससी कॉम्बैट, और इसका जो लिंक है गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप लोग एनरोल कर लीजिएगा यूजिंग द कोड MG10। और ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट होता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है हर संडे 12 PM। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है गाइस, जो फोर्ब्स ने नई लिस्ट जारी की है इसके हिसाब से वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन और एशिया का रिचेस्ट पर्सन कौन है। दोस्तों हम लोग बात करें तो जो अमेजोन के हम लोग बात करेंगे जो फाउंडर हैं जेफ बेजोस, ये पूरे वर्ल्ड के हम लोग बात करेंगे जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है। और एशिया की तरफ हम लोग बात करें दोस्तों तो मुकेश अंबानी यहाँ पे नाम आ जाएगा। और मुकेश अंबानी कौन है दोस्तों, आप सभी जानते हैं रिलायंस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करें जो एलॉन मस्क है वो रिसेंटली हम लोग बात करेंगे इस वीक, तो वो बीच में उन्होंने पछाड़ दिया था किसको, जेफ बेजोस को, जो कि अमेजोन के हैं। तो यहाँ पर गाइस अगेन जेफ बेजोस ने रिटर्न कर लिया है और आप एलॉन मस्क को भी याद रखिएगा, ये सेकंड नंबर पर है इस समय। और ये गाइस सीईओ हैं किसके, स्पेसएक्स और टेस्ला के, और जेफ बेजोस है अमेज़न के। देन दोस्तों दूसरी तरफ हम लोग बात करते हैं एशिया की, जो एशिया में जो सबसे टॉप पर है गाइस हम लोग बात करें वो है मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के, और इनको फॉलो करते हैं गाइस कौन, तो याद रखना गौतम अदानी। और इन लोगों ने रिप्लेस कर दिया किसको, जैक मा को। और जैक मा कौन थे गाइस, आप जानते हो अलीबाबा वाले चाइनीज है ना, तो याद रखना सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एशिया से मुकेश अंबानी है, और दोस्तों हम लोग बात करें वर्ल्ड से जेफ बेजोस है, और वर्ल्ड में मुकेश अंबानी की रैंकिंग कितनी, तो ये भी आप देख सकते हैं 10th रैंकिंग है ओवरऑल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक तरफ है गाइस जेफ बेजोस और दूसरी तरफ है मुकेश अंबानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, हम लोग बात करें 24th अप्रैल से, जिस दिन सचिन तेंदुलकर का बर्थडे भी होता है गाइस है ना, और आपका पंचायती राज डे भी होता है, उस दिन से भारत में एक नए चीफ जस्टिस आपको देखने को मिलेंगे, भारत के एक नए मुख्य न्यायाधीश आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइस उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी ने किया है, और वो कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश है ये दोनों बातें आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखेंगे हमारे अगले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका नाम है मिस्टर NV रमन्ना, और एक कौन से नंबर के चीफ जस्टिस है ये भी आप याद रखेंगे 48, और अभी कौन से है गाइस 47th नंबर में जो है उनका नाम है मिस्टर शरद अरविंद बोबदे, तो सुपर इंपॉर्टेंट है। और ये आर्टिकल भी याद रखेंगे दोस्तों, आर्टिकल 124 का क्लॉज 2 कहता है कि भाई साहब जो प्रेसिडेंट होता है वही अपॉइंट करता है किसको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। और आप सब लोग जानते हैं चीफ जस्टिस वही बनता है जो सबसे सीनियर मोस्ट होता है। और सुप्रीम कोर्ट में टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने हैं दोस्तों, तो हम लोग बात करें 33+1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जजेस होते हैं 34। और सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं इनकी रिटायरमेंट की एज कितनी होती है ये भी आप लोग याद रखें दोस्तों 65, जबकि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट की एज होती है 62। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और याद रखना है कि जो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनका नाम था मिस्टर HJ कानिया, ये भी आप लोग याद रखेंगे सुपर इंपॉर्टेंट, जितने पॉइंट में बोलूं ये सब लोग आपकी नोटबुक में होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ गाइस हम लोग यहाँ पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगेन सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, एक भी क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग बेटा एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ना, और इसमें आप कट शॉर्ट नहीं करेंगे, मैं ऑलरेडी कट शॉर्ट कर रहा हूं, आप इसके बाद कोई भी कट शॉर्ट नहीं कर सकते, आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं दोस्तों, अगर मैं बात करें चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो है सिडबी के, जिसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, किसे नियुक्त किया गया है, कितने साल के लिए दोस्तों, तो 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। इनका नाम क्या है गाइस, ये आपसे पूछा जा रहा है, इनका नाम है मिस्टर S रमन, इतना याद रखेंगे आप लोग, यही काफी आपके लिए। और दूसरी बात गाइस मैं आपको बात करूं तो एस रमन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लेकिन आपको साथ में ये भी याद रखना है कि जो सिडबी है इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों, लखनऊ में, और ये कभी बना है तो आप लोग ध्यान से देखो 2 अप्रैल 1919 को ये बना हुआ है ना सिडबी, तो फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, और एस रमेश याद रखना, भूलना मत, नहीं तो एग्जाम में मार्क्स लूज करके आओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेजेंट में जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी है, अगर हम लोग बात करें मिस्टर शरद अरविंद बोबदे, जो कि कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं गाइस, ये भी आप लोग याद रखो 47th नंबर के, ठीक है ना। इन्होंने लॉन्च किया है गाइस एक, आप बोल सकते हो एक टूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है, यस और नो, अगर हम लोग बात करें सबसे पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, बट यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इस पूरी टर्मिनोलॉजी में जो आपका सुपेस करके है इसमें ए का मीनिंग क्या है, यस और नो, पूरा मैं आप लोग को बताऊंगा।
दोस्तों यहाँ पर ए का मीनिंग है असिस्टेंस और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर, ये फुल फॉर्म याद रखना दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। अब ये रटना नहीं है, ये एक से दो बार आप जब देखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों जो जजेस वगैरह हमारे होंगे ना उनका जो रिसर्च वर्क है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि सपोज करो किसी केस से रिलेटेड उनको स्टडी करना है तो सब कुछ इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल होता है उसके थ्रू अवेलेबल होगा, तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और आप सभी जानते हैं हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहां पर स्थित है दोस्तों, दिल्ली में है। और कौन से अनुच्छेद में हमको सुप्रीम कोर्ट मिलता है तो आप सभी जानते हैं, आर्टिकल नंबर 124। और गाइस आज का होमवर्क ये है, अब से मैं आपसे पूछूंगा और इस कमेंट बॉक्स में आपको डालना है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम लोग चलते हैं। तो गाइस ये बुक है एग्जाम वॉरियर। अब आप सोचेंगे सर ये तो पुराना था, बेटा हाँ बिल्कुल पुराना था, बट अब अपडेटेड होके आया है ना, इसमें चीजें एड ऑन हुई है। तो ये किसकी किताब है दोस्तों, तो याद रखना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की है, तो आप लोग को याद रखना अगेन, क्योंकि भाई एग्जाम में आएगी आएगी। तो याद रखो दोस्तों यहाँ पे मैंने साफ साफ लिख दिया है रिवाइज्ड एंड अपडेटेड वर्जन ऑफ बुक एग्जाम वॉरियर, और ये किसकी है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की किताब है, सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोग को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। 6th of April यानी कि गाइस हम लोग बात करें 6 अप्रैल को हम लोग बात करें यूनाइटेड नेशन जो होता है वो सेलिब्रेट करता है ना। अगर हम लोग गाइस बात करें ग्लोबल कम्युनिटी के लिए है ना, हैशटैग व्हाइट कार्ड ये बेसिकली है क्या दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। 6 अप्रैल को हम लोग बात करें वैश्विक समुदाय के लिए जो हैशटैग व्हाइट कार्ड का जो उपयोग करता है बेसिकली है क्या, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस है। तो यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय डे है, अंतरराष्ट्रीय दिवस है किसके लिए, स्पोर्ट्स के लिए और शांति को बढ़ावा देने के लिए जो है गाइस यूनाइटेड नेशन ये ऑब्जर्व करता है हर साल। तो ये बात आप लोग याद रखना, हैशटैग व्हाइट कार्ड भी अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखना। पर इसमें मैंने स्टार नहीं लगाया क्योंकि इसके आने की संभावना कम है। लेकिन अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप छोड़ नहीं सकते हो, या फिर दोस्तों मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप मिस नहीं कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों, मिस तो आपको इसको भी नहीं करना है, बट मैं जहां पर एकदम ये इंपॉर्टेंट है बट वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और इसको तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, 2021 का यानी कि 2021 में गाइस हमको सबको याद रखना है, सबसे पहले तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब आता है, तो सुपर स्टार है 7 अप्रैल को आता है, ठीक है। इस बार इसकी थीम क्या है ये आपसे पूछा गया, सुपर इंपॉर्टेंट, आपको डे भी याद रखना है, आपको थीम भी याद रखना है। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, थीम है बिल्डिंग अ फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिस करोगे तो भाई साहब रिस्क है एग्जाम में आएगा। चलो तो यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हो 7 अप्रैल भी याद रखना है, और दूसरी बात आपको ये थीम भी याद रखना है, यस और नो, बिल्ड अ फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन, सुपर इंपॉर्टेंट है। और गाइस देखो है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है गाइस इसमें पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझो गाइस, यहाँ पर एक तुत्सी करके आपको दिख रहा है, तुत्सी। अब सबसे पहले आपको समझना है तुत्सी क्या है दोस्तों, जो तुत्सी है ना ये एक ट्राइब है ना, ट्राइब, और इस ट्राइब को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, जनजाति। और ये जनजाति कहाँ पर है दोस्तों, ये जनजाति अफ्रीका के एक देश रवांडा में, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है भाई साहब, हुआ क्या था, अगर हम लोग बात करें सबसे पहले आपसे पूछा जाए, देखो जेनोसाइड मतलब क्या होता है, जनसंहार, ठीक है। तो हम लोग इस दिन को याद कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और लोगों को भाई साहब हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि ये सब मत करो, इससे बहुत ज्यादा लॉस होता है, आप कैसा कर सकते हो, ये इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ है दोस्तों। ये घटना है 7 अप्रैल 1994 की। तो आपसे पूछा जाएगा कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन दी 1994 जेनोसाइड अगेंस्ट दी तुत्सी इन रवांडा, तो जो तुत्सी ट्राइब के खिलाफ गाइस जो यहाँ पे किया गया था, जेनोसाइड किया गया था, जिसको आप नरसंहार कहते हो, ये कब हुआ था, 7 अप्रैल 1994 को, तो याद रखना दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। और आप लोग यहाँ पे ये भी याद रखो दोस्तों कि जो रवांडा है इसकी कैपिटल का नाम याद रखना है आप लोग को, तो कैपिटल है दोस्तों किगाली, ठीक है। ये मैंने वैसे भी कई बार एग्जाम में देखा है किगाली। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पे करेंसी के बारे में, तो वो भी आप लोग याद रखो, करेंसी है यहाँ की फ्रैंक, ठीक है ना। सारी कंट्री की कैपिटल करेंसी थोड़ी याद रखनी होती है, जो न्यूज में होती है उसकी याद रखनी होती है, ठीक है ना। तो सुपर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लेना। अगला यार स्टार मार्क कर लियो, ठीक है ना, आने वाला है क्वेश्चन ये, देखो क्या पूछ रहा है। रेलवे जोन ऑफ इंडिया हैज बिकम फर्स्ट फुली इलेक्ट्रिफाइड रेलवे जोन, समझ रहे हो, मतलब भारत का पहला ऐसा रेलवे जोन कौन सा जो पूरी तरीके से विद्युतीकृत हो चुका है,
और इस समय देश में टोटल पहले 17 थे, आज की डेट में 18 रेलवे जोन है। और आप लोग को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 18th रेलवे जोन है वो कौन सा है और उसका हेडक्वार्टर कौन सा है। और याद रखना, जब भी मैं बोलता हूँ ना कमेंट बॉक्स में बताना, तो बेटा इससे आपको फायदा होगा, ये याद रखना। तो आप लोग को मुझे बताना है कि 18th कौन सा है। पर फिलहाल इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वेस्ट सेंट्रल रेलवे। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जो है गाइस, वो पहला हमारा रेलवे जोन बना है जो पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों आपको मिलेगा जबलपुर में, और जबलपुर दोस्तों कहां पर मिलेगा आपको, मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो अगेन सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। आप जानते हो जिन लोगों के साथ में एक बहुत बड़ा इश्यू होता है ना, विजुअली इंपेयर्ड पीपल, मतलब गाइस जो दृष्टि बाधित है, जो लोग गाइस ठीक से देख नहीं पाते, तो अगर उनको टाइम देखना हो तो वो लोग बेचारे टाइम क्या प्रॉपर से टाइम तो देख नहीं पाएंगे, देख तो सकते नहीं। तो गाइस एक टच सेंसिटिव वॉच बनाई है, टच सेंसिटिव वॉच, स्पर्श संवेदनशील घड़ी बनाई गई है। इसको टच करके वो लोग समझ पाएंगे कि कितना टाइम हुआ है। तो आप बताओ यार, ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? यानी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ना। तो गाइस ये किया है किसी और ने नहीं, रिसर्च के लिए फेमस IIT कानपुर ने किया है। और आप सभी जानते हो IIT कानपुर कहां पर, उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे लदर पार्क बन रहा है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यस और नो। और अगर हम लोग बात करें तो प्रोफेसर सिद्धार्थ पांडा एंड हम लोग बात करें दोस्तों विश्वराज श्रीवास्तव ऑफ IIT कानपुर, इन दोनों ने मिल करके इस वॉच को बनाया। तो इससे जो विजुअली इंपेयर्ड पर्सन है वो लोग भी गाइस अच्छे से टाइम का पता लगा पाएंगे। तो गाइस ये थे आज के 10 क्वेश्चन, बस इसी को फॉलो करो। और ये जो क्वेश्चन सीरीज है ये एक भी दिन आपका लॉस नहीं होगा, ये संडे को भी मंडे को भी कभी ऑफ नहीं होगा, डेली होगा, ठीक है। और मैं अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन करता जाऊंगा और आप लोग को इसी तरीके से क्वेश्चन कराता जाऊंगा। और गाइस 19th अप्रैल से अगर हम लोग बात करें तो मेरा प्लस में हिस्ट्री आ रहा है, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो गाइस प्लस कोर्स। और इस समय आप देखो SSC की फी है 6500, ये पे मत करना, जस्ट यूज कोड ANG10, इंस्टेंट आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी कोर्स परचेस कर सकते हो यूजिंग दिस कोड ANG10। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप यार ये सेशन जो है आप लोग को बढ़िया लगा होगा, और ऐसे ही सेशन के लिए हम लोग दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।